बुद्धेश्वर चौराहे से मात्र 700 मीटर की दूरी पर। ये देखिए ये हाईवे बिल्कुल जस्ट पड़ोस में हाईवे है आपका छत का एरिया। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी आपके एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र आज एक बार फिर से आपके लिए रेडी टू मूव हाउस लेके आया हूँ। किस लोकेशन पे खड़े हुए हैं, बेसिक एमिनिटीज़ क्या कितनी दूरी पे हैं, उन सब की जानकारी के लिए यहाँ के प्राउड ओनर को बुला लेते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। प्राउड ओनर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये किसी बिल्डर, किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और किसी उसके तहत नहीं है। इनका खुद का मकान है जो कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवा के उसके बाद इसे सेल आउट कर रहे हैं। बेसिक एमिनिटीज़ और लोकेलिटी क्या चीज़ कितनी दूरी पर है, उन सब की जानकारी के लिए यहाँ के प्राउड ओनर को बुला लेते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। वीरेन जी स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे, अपने व्यूअर्स को हाय करिए। हाय। तो सबसे पहले बताइए लोकेशन क्या लगती है, हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं? ये आदर्श विहार कॉलोनी लोकेशन लगती है और ये हम बुद्धेश्वर चौराहे से मात्र 700 मीटर की दूरी पे लगे हुए हैं और ये दुबग्गा जो ये हाईवे कानपुर हाईवे है यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। और अगर मेन इसका बात करें कि चारबाग रेलवे स्टेशन कितना दूरी पड़ जाएगा? ये 9 किलोमीटर की। और हजरतगंज? हजरतगंज 11 किलोमीटर। और नियर बाई में मेट्रो स्टेशन पूछे यहाँ से सिंगार नगर है, ये नगर निगम के अंतर्गत आता है जी। और सुविधाएं नगर निगम की मतलब सीवर लाइन, गैस लाइन, ये सब चीजें मिल रही है? अभी अभी नहीं मिल रही है, ये इन फ्यूचर मिल जाएंगी सारी। लगभग एक अंदाजा करें तो कितने सालों में, कितने महीनों में पॉसिबल है? एक साल के अंतर्गत हो जाएगी। तब तक के लिए जो ये घर लेता है तो उनको क्या, इसकी क्या सुविधा है? तब तक के लिए लेता है टैंक, सीवर लाइन हमने टैंक बना के रख दिया है। समर सिविल हमारा खुद का है, खुद का है, वर्ना लेक्चर का है। फ्रंट एलिवेशन आप एक बार देखेंगे, काफ़ी खूबसूरती से बना हुआ है। इस एरिया में हम कहेंगे एक लौता है कि ये मकान है क्योंकि खूबसूरत लग रहा है। आप अंदर आएंगे सबसे पहले ये पॉर्च एरिया हो गया, कार पार्किंग का क्या साइज़ होगा भाई साहब इसका? ये 9x13 का है। 9x13 का, 9x13 का आपका पॉर्च एरिया है। जस्ट इसके पीछे आप अगर बगल में जाएंगे एंट्री करने के, कार पॉर्च के बगल में आपका एक टॉयलेट दिया हुआ है। अच्छा, इसका क्या रीज़न है? जैसे नॉर्मल मैंने बहुत सारे घरों में देखा है ये होता नहीं है, लेकिन आपने ये जस्ट बगल में ही दे रखा है। टॉयलेट दिया हुआ है, बाई चांस किसी को गेस्ट आता है तो गेस्ट के लिए बाहर बाथरूम वगैरह जाने के लिए उसके लिए ये सुविधा दे रहा हूं। मतलब कोई बाहरी आता तो उसके लिए यहां पे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही उसका उपयोग कर सकता है। क्या साइज बताया था आप इसका? ये 4x4 का है। 4x4 का। अब आइए थोड़ा अंदर का दिखा देते हैं। अच्छा, ये टोटल इसमें अगर हम बात करें फ्रंट इसका और डेप्थ इसकी क्या होगी, क्या साइज होगा इसका? सॉरी, ये आगे फ्रंट है 15 और पीछे जो हमारा है 47 के अलावा है, 47 15 और 47 ना। चलिए, ये आपका हो गया। और भाई 14 का आपका ये एक रूम हो गया, खूबसूरती काफ़ी अच्छी। अच्छा, इसमें वायरिंग की इन सब चीज़ों की बात करें तो क्या कैसे लगा हुआ? ये एंकर कोना का हमने स्विचेज लगाए हैं सारा, और हैवेल्स की इसकी वायरिंग कराई है, पूरा एसी वगैरह का सारा स्विचेज है, सब आंगन की तरफ मैंने दिया है, ये अलग से इस तरफ है। चलिए, और गेट वेट लगाए नहीं है अभी, गेट का क्या, ये क्या हमारे आए हुए हैं हमने एक आपको विंडो दी गई हुई है जो कि अगर विंडो का साइज बात करें भैया सर, ये भाई साहब ये क्या साइज होगा विंडो का? ये 4x5 का। 4x5 का विंडो है, ग्लास उस पर बना हुआ है और जो कि खूबसूरती को बढ़ाता है। अब इसी के बगल में चलते हैं आप, चलते चलते तो सबसे पहले क्या कैसे बना हुआ है भाई साहब? ये हमारी लॉबी है, ये आपका लॉबी एरिया हो गया। हाँ, खाली लॉबी एरिया की बात करें तो क्या साइज होगा इसका? अब भाई 21 फिट ये हमने लॉबी दे रखी है। हाँ जी, किचन की बात करें तो ये किचन कैसे? ये हमारा 6x8 का किचन है। 6x8 का किचन है, मॉड्यूलर किचन नहीं है, चिमनी नहीं लगी हुई है। ये अभी काम चल रहा है, अभी आगे चल के देंगे हम। आगे चल के देंगे मतलब आगे चल के मॉड्यूलर कस्टमर डिमांड करता है? डिमांड करता है, डिमांड के ऊपर है, बस डिमांड के ऊपर है, बना के देंगे। फिलहाल अगर चिमनी नहीं भी लगे तो क्या कहते हैं आपको, एक वेंटिलेशन हुआ है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन आपका बना रहेगा, काफ़ी बड़ा विंडो है ये भी। और उसके बाद चलते हैं दूसरे रूम में, क्या चीज़ कैसे बनेंगे लॉबी एरिया का क्या साइज बता देंगे? ये 21 फिट हमारा लंबी है और 7 फिट चौड़ी है। 7 फिट चौड़ी है। इनमें हाँ, भी टाइल्स साइज की बात करें तो हाँ, कंपनी की टाइल्स लगी हुई है। कंपनी का टाइल्स लगा हुआ है सारा, ये कजारिया का, कजारिया का टाइल्स। चलिए आइए, अब आपको एक लास्ट रूम दिखाते हैं क्योंकि ये हो गया आपका, अंधेरा है, लाइट नहीं आ रही है थोड़ा आपको, लेकिन आंगन दिया हुआ है उससे रोशनी आती है थोड़े, ये चीज है अभी। मतलब दिन दिन में अगर लाइट नहीं भी रहती तो आपको प्रॉपर रोशनी हाँ, मिलती रहेगी, हवा मिलती रहेगी, रोशनी भी आएगी सारा। तो वीरेन जी ये बताइए क्या साइज होगा इस रूम का? इसका 10x12 का। 10x12 का आप हाँ, मास्टर बेडरूम इसको कह सकते हैं? हाँ, मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में इसमें अच्छा फॉल्सिलिंग नहीं दी हुई है? नहीं, फॉल्सिलिंग इसमें पीओपी दे दिया है, एक रूम बाहरी गेस्ट रूम को फॉल्सिलिंग कर दिया है, इसमें पीओपी दे दिया है। इसको भी कस्टमर जैसे डिमांड करता है तो उसके हिसाब से हम करा देंगे। यस, ये हो गया। इसके बाद आपका इसी से लगा हुआ एक वॉशरूम है। हाँ जी, हाँ जी, ये वॉश बेसिन के लिए दिया हुआ है हमारा पूरा जगह, ये यहाँ पे वॉश बेसिन लगेगा।
हाँ, वो भी आप लगवा के देंगे? वो सब हम लगा के देंगे, सब लगा के देंगे। हाँ। चलिए वो हो गया आपका थोड़ा। ये आंगन है हमारा वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, बाथरूम में भी वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। हाँ जी, थोड़ा अंदर आ जाइए, मतलब बड़ा स्पेस है। हाँ, तो ये जो चीज़ें रह गई इसमें आप ये हमारा कम्बोर्ड लगेगा, कम्बोर्ड वेस्टर्न जान लीजिए लेटिन, और ये हमारा है पानी का के लिए, और इसको सब पूरा बात ये चीज़ें रह गई हैं, अभी कंप्लीट करके देंगे जा करके। ये हमारा 12x4 का है, 12x4 का आपका ये वॉशरूम है। हाँ, एक हमने आपको दिखाया वो सामने था, वो इंडियन टॉयलेट में है, ये आपका वेस्टर्न टॉयलेट में। कस्टमर डिमांड करता है जैसे कि हमें इसमें भी इंडियन चाहिए, तो वो भी आप प्रोवाइड करेंगे? वो दोनों चीज़ें हो जाएंगी जैसे कस्टमर की डिमांड। और इसमें भी आपको एक प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है, जैसे आप देखेंगे, और गीजर वगैरह के लिए सारा पॉइंट दिया हुआ है, सब पूरा है। हाँ, इन सब में अगर इन सब की बात करें, टूटी फूटी सारी चीजें आप ब्रांडेड लगा के देंगे ना? सब पूरा हम लगा के देंगे। ये हो गया आपका, क्या साइज बताते हैं आप इसका? ये हमारा 4x12 का है। 4x12 का, चलिए थोड़ा छत का एरिया देख लेते हैं, क्या चीज़ कैसे बनी हुई है। तो ये कितने स्क्वायर फीट में आपने बताया था ये मकान बना हुआ है? तो ये 750 स्क्वायर फीट में ये मकान बना हुआ है। और इन सब की एंगल एंगल की बात करें तो ये सब किसके एंगल लगे होंगे? जिंदल के? तो इंटीरियर की आप बात करें तो हैवेल्स की वायरिंग जिनसे लगी हुई है। अब ये है आपका छत का एरिया, 750 आपका ये क्या कहते हैं लैंड एरिया हो गया, 800 स्क्वायर फीट आप पूरा कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया। अब थोड़ा आप आगे आएंगे देखेंगे, यहाँ पे भी पूरी घनी आबादी है, डेवलपमेंट यहाँ पे भी सारे हो चुके हैं, और यहाँ अगर जैसे कोई घर लेता है तो किसी को ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सारी सुविधाएं। ये देखिए ये हाईवे बिल्कुल जस्ट पड़ोस में हाईवे है, आप उधर देखेंगे। हाँ, बगल में ही कौन सा हाईवे है? हाँ, ये कानपुर हाईवे है। कानपुर हाईवे, ये दुबग्गा कानपुर बाईपास कहा जाता है इसको जी, और यहीं पास में 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आलमनगर स्टेशन है हमारा, आलमनगर स्टेशन। हाँ, दुबग्गा यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो किशोर जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए कि क्या रेट आप डिमांड कर रहे हैं यहाँ का? यहाँ पे मैं 30 लाख रुपये का। 30 लाख। और चैनल के माध्यम से कोई आता है तो कुछ निगोशिएट करेंगे? यस। 30 लाख में आपको 750 स्क्वायर फीट बना बनाया मकान मिल रहा है, और एरिया मैंने आपको बता ही दिया, लोकेशन आपको बता ही दिया, नियर बाई में भी आप देखेंगे तो सारी फैसिलिटीज़ पास में है। 30 लाख बहुत ही कम बजट है, लखनऊ के अंदर मकान अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इस लोकेलिटी में आप आइए, कंपेयर करिए, इससे कम मिले तो आप खुद मतलब जांच पड़ताल आप कर सकते हैं, एक बार इधर उधर पूछ सकते हैं, अगर आपको लगे तो फिर आप उस हिसाब से सोचिएगा। फिलहाल तो यहाँ पे सबसे एक तरीके से समझेंगे तो सस्ता मकान है। आप एक बार और देखेंगे, मकान बने हुए हैं, प्रॉपर लोग रह रहे हैं, घनी आबादी है, सब कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, नगर निगम के अंडर आता है ये, और सारी बेसिक एमिनिटीज़ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर अंदर 24 आवर साधन है। तो 30 लाख में ये छोड़ देंगे, चैनल के माध्यम से अगर आप रेफरेंस देंगे कि उनके माध्यम से आए हैं तो उसमें भी आपका नेगोशिएट होगा। वीरेन जी, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह प्रॉपर्टी और प्लॉट से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।